गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये एक रिवाइंड है 2023 का, और आई नो ये रिवाइंड भी बहुत ज्यादा लेट आ रहा है, जब कि 2023 का पहला महीना यानी कि जनवरी आधा गुजर चुका है और मैं तब तक बैठा हुआ था और मैंने अब तक एक रिवाइंड भी नहीं बनाया। पिछले साल भी मैंने रिवाइंड नहीं बनाया और इस साल भी मैंने रिवाइंड नहीं बनाया। और एक और चीज के लिए मैं आपके लिए सॉरी चाहता, मैं बहुत सारे दिनों के से वीडियो नहीं बना रहा था, तो उसके लिए आप मुझे माफ कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो इतनी लेट क्यों आई है। सबसे पहले मेरे एग्जाम चल रहे थे और इस दौरान सब चीजों में मेरे चैनल का 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 1K सब्सक्राइबर हुए, 2K सब्सक्राइबर हुए और अभी तो 2. सब्सक्राइबर मुझे याद नहीं है, 2. सब्सक्राइबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत जितना थैंक यू बोलना चाहता हूँ ना, वो कम है, जितना बोलूँ वो कम है जितना भी। तो अभी मैं आपको सारा कुछ रिवाइंड वगैरह समझा देता हूँ। तो 2023 की शुरुआत इस तरह से होती है कि मैं होम टूर देता हूँ, अपने घर का पूरा होम टूर देता हूँ, और होम टूर से के बाद मैं जाता हूँ ग्राउंड में, मेरा अब वॉक करने आता है। तो मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा कि हम लोग के ये वाले ब्लॉग में ये हुआ, ये वाले ब्लॉग में ये हुआ, ये वाले ब्लॉग में ये हुआ, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। फिर मैं जो मेन इवेंट्स है ना, मैं वो आपको समझा दूंगा। तो उसके बाद मैंने एक चूजा लिया था जो कि बहुत क्यूट सा था, और उसके बाद हमारे घर हरीशा वाले आए थे, और उसके कुछ टाइम बाद हम लोग गए थे कायदे आजम स्टेडियम, और वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी थी। और फिर उसके बाद मैंने तोते लिए थे, और इन सब के बीच मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। और तोते लेने के कुछ टाइम बाद मेरी तोते बीमार हो गई थी, और तोते बीमार होने के कुछ टाइम बाद एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने अपनी सारी फोन की कलेक्शन दिखाई थी, और उसी वीडियो में ही मैंने आपको तोते का भी बताया था जो तोता उड़ गया था। और उसके बाद हमारे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कि अब 4-4 दिनों तक लाइट नहीं होती थी, और 4-4 दिनों तक लाइट नहीं होती थी, हम लोग बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे थे। बहन की ग्रेजुएशन पार्टी थी और मेरे सारे दादा दादी मतलब हर कोई आया था, फूफो वगैरह, फूफो नहीं आई थी, फूफो की बेटी आई थी मतलब मेरी कजन, वो सारे आए थे और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था और बहुत मजा आया था। उसके कुछ टाइम बाद फिर वरिषा वालों ने मुझे और तोते गिफ्ट किए थे, और वो वाले तोते जो थे वो बहुत ज्यादा क्यूट थे, और वो तोते अब तक जिंदा हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और उसके बाद फिर रमजान शुरू हो गया था, और रमजान के पहला फ्राइडे, दूसरा फ्राइडे, तीसरा फ्राइडे, चौथा फ्राइडे और शायद 5 फ्राइडे हुए थे इस साल रमजान को। उन सब फ्राइडे की मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई थी, फर्स्ट फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे, फोर्थ फ्राइडे और शायद फिफ्थ फ्राइडे भी था, मुझे याद नहीं है। लास्ट फ्राइडे मैंने वो वाली वीडियो बनाई थी, और रमजान में ही मैंने Q&A वीडियो बनाई थी जो कि 200 सब्सक्राइबर्स स्पेशल थी। और आप एक चीज नोटिस करें कि जब मेरे 200 सब्सक्राइबर हुए थे वो रमजान में हो गए थे, और अभी जनवरी का टाइम है और मेरे 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उस सब के लिए थैंक यू, मैं आपको इतना थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। और उसके बाद फिर शुरू हुई थी ईद सीरीज, ईद का Day 1, Day 2 और Day 3 तीनों में मैंने व्लॉग्स बनाए थे। Day 1 और Day 2 में हम लोग खाला वालों के घर गए थे, और Day 3 में हम लोग चाचू वालों के घर गए थे। और उसके बाद उससे अगली वीडियो में ही हमारे साथ क्या हुआ, हमारे छत पे बिल्ली ने बच्चे दिए और वो बच्चे मर गए बेचारे। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे मंडी, क्योंकि ईद का सीजन शुरू हो गया था, और मंडी जाने के बाद हम लोग गांव गए थे, और वहां पर मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए थे, और गांव जाने के रास्ते में ही मेरे वो 100K बोल रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग पंजाब यानी हमारे गांव से वापस आए, तो उसके बाद सीधा ही 14 अगस्त शुरू हो गई थी, तो उसके लिए हम लोग ने तैयारियां शुरू कर दी। और पिछले साल यानी 2023 की लास्ट वीडियो थी तुराब सिप्टेन और डकी भाई की ड्राइंग। उसके बाद मैंने 4 महीने होने वाले हैं मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की, उसका रीजन मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। और हाँ, मैं आपको एक और चीज तो बताना ही भूल गया, जो मैंने कहा था कि तोता, जो तोते वाला था, तो उसमें तोता एक तो बिल्कुल सही अब तक है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो तोती थी, तोती वो बेचारी मर गई थी। और अभी जो हमारी एक येलो वाली तोती बची हुई थी ना, उसने ना बच्चे दिए थे, बच्चे दिए नहीं अंडे दिए थे, उनमें से फिर बच्चे निकले थे और वो बच्चे भी बड़े हो गए। और उसके बाद फिर मेरा भाई बाहर से एक तोती पकड़ के लाया था, बहुत खूबसूरत सी तोती थी, व्हाइट और ब्लू कलर की, और वो मैं आपको रिवाइंड में बताना भूल गया, ये जो क्लिप है मैं रिवाइंड बनाने के बाद ही बना रहा हूँ। और हाँ, ये यहीं पर ये वाला रिवाइंड मैं खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।